सरकार कोरोना वायरस के संकट में गरीबों को लगातार राशन बांट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ समाज सेवी भी गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं है। मामला यूपी के बलरामपुर का है, जहां ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। बता दें, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि ने गरीबों को राशन वितरित किया। इतना ही नहीं, वो गांव गांव जाकर लोगों को राशन के साथ साथ आर्थिक मदद भी दे रहे हैं। जरूरतमंदों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को अपने फंड से 10 लाख रुपए का सहयोग भी दिया है। इस विपदा के समय में जो भी लोग हमारे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत भूखों हों, जिनके घर में चूल्हा जलने की दिक्कत हो या किसी बीमारी से त्रस्त हों, दवा ना करा रहे हों, मैं उनके घर के लिए चूल्हा जलाने के लिए सक भर प्रयास कर रहा हूं कि हर घर में चूल्हा जले, हर घर में राशन पहुंचे, हर किसी की दवाई हो सके। उससे जो हो सकेगा मैं पूरे क्षेत्र में लग के प्रयास कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत मेरा प्रयास रहेगा कि कोई घर ऐसा न बचे कि जिस घर में कोई व्यक्ति भूखो रहे या किसी बीमारी से त्रस्त हो, दवा ना करा पावे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप जिस लायक बनाए हैं, मैं सदैव अपने क्षेत्र के जनता के लिए तत्पर रहूंगा और उनके हर सुख दुख में मदद करता रहूंगा। इसी उद्देश्य से मैं आज अपने पूरे क्षेत्र के अंतर्गत गांव-गांव जाके गरीबों के यहाँ राशन देने का काम किया और ये कार्यक्रम मैं जब तक लॉकडाउन रहेगा मैं करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि अपने क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव हों, प्रत्येक गांव में जाके हर गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का काम करूँ।